हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। विंटर्स आ गए हैं एंड कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई है। जैसे कि हम सब जानते हैं, एडल्ट्स की कंपैरिजन में बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए बहुत प्रोन होते हैं वायरल फीवर, कोल्ड एंड कफ के लिए। तो चलिए देखते हैं होम रेमेडी यूज़ करके कैसे इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। आ इंडियन किचन इज़ फिल्ड विद मेडिकल वंडर्स विच आर नेचुरल एंड इफेक्टिव। सो यही वंडर्स को यूज़ करते हुए जो होम रेमेडी हम बच्चों के लिए आज बनाने जा रहे हैं कोल्ड एंड कफ के लिए, उसके लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो इस तरीके से हैं। हमने यहाँ लिया है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, गार्लिक यानी कि लहसुन और अजवाइन, कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। तो अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल में जैसे हम सब जानते हैं कि हीटिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में जो कंजेशन होता है उसको क्लीन करने में हेल्पफुल होता है। गार्लिक की बात करें तो गार्लिक रिलीफ प्रोवाइड करता है स्टबन कोल्ड एंड फ्लू से। साथ ही साथ अजवाइन कोल्ड और फीवर में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ अगर स्टमक एक होता है तो उसमें भी ये काफ़ी रिलीफ दिलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से ऑयल बना के मसाज करने से बेबी के चेस्ट और थ्रोट में जो कंजेशन होता है इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा इसमें जो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। तो चलिए बनाते हैं इन इंग्रेडिएंट्स से एक वंडर ऑयल। ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक बोल सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। 7 से 8 मैंने ली है लहसुन की कली जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है, और 1 चम्मच के करीब अजवाइन। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसको मैंने गैस पे रख दिया है, आँच मैंने मीडियम टू लो ही रखी है। अब मैं इस कढ़ाई को गर्म हो जाने दूंगी। कढ़ाई के गर्म होने के बाद मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी। इस मस्टर्ड ऑयल को हमें गर्म करना है, हमें बॉयल नहीं करना है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन को जो हमने बारीक काटा था उसे डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है और अब हमने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखनी है, हमें हाई फ्लेम नहीं करनी है, और इसको बीच बीच में इस तरीके से हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। अब इसको इस तरीके से हम अच्छे से पकने देंगे ताकि जो लहसुन की हीटिंग प्रॉपर्टी है वो मस्टर्ड ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लहसुन अपना कलर, जो बारीक कटा लहसुन है उसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगेगा, और उसी स्टेज पे हम इसमें अजवाइन को ऐड कर देंगे। तो लहसुन हमारा हल्का हल्का गोल्डन पड़ने लगा है और अभी इसी स्टेज में हमने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है। हम इसको अच्छे से लहसुन और अजवाइन को पकने देंगे ताकि इनकी हीटिंग प्रॉपर्टी अच्छे से मस्टर्ड ऑयल में मिक्स हो जाए। हमें जब तक कि लहसुन हमारा या तो डार्क ब्राउन या फिर रेड ना हो जाए तब तक हमें इसे ऐसे ही पकने देना है। इस प्रोसेस में करीब 1 मिनट लगेगा, हमें लहसुन को काला नहीं पड़ने देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो लहसुन है वो अच्छे से ब्राउन होने लगा है, तो ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑयल को ठंडा होने देंगे ताकि वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम इसको स्टोर करेंगे। तो हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से बन गया है और ये ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसको एक जार में निकाल लूँगी। मेक श्योर वन थिंग, जो भी आप जार ले रहे हो वो पूरा ड्राई हो, गीला बिल्कुल भी ना हो और वो बिल्कुल क्लीन हो। तो यहाँ मैंने एक छन्नी रखी है और इसमें मैं अपना जो ऑयल था उसे छान लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया। तो इस तरीके से हम ऑयल को स्टोर कर लेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमें ये ऑयल कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है। जब भी आपको आप ये फील करते हैं कि बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप इस ऑयल को थोड़ा सा कटोरी में निकाल के उसे हल्का सा गर्म कर लें। अगर आप गर्म करके लगाएंगे तो इसका इम्पैक्ट और भी अच्छा आएगा और जल्दी आएगा। तो आप ऑयल को हल्का सा गर्म कर लें और बच्चे की चेस्ट पे यानी कि छाती पे, बच्चे की पीठ पे यानी
कि बैक पे और पैरों के तलवे पे आपको ये ऑयल लगाना है और उसे फिर कवर कर देना है। जैसे कि आपने पैरों पे लगाया तो उसको सॉक्स पहना दीजिए। हाथों पे मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि बच्चों की आदत होती है, जनरली वो लोग चीज़ों हाथों को मुंह में डालते हैं, तो आप हाथ पे मत डालिए, लगाइएगा ये ऑयल। अगर लगाते हैं तो मिटेंस पहना दीजिएगा ताकि बच्चे हाथ मुँह में ना डालें, और फिर आप उसको इस तरीके से कवर कर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, आपको बिल्कुल भी हवा का एक्सपोज़र नहीं देना है, यानी कि जब भी आप ये तेल लगाएं तो बच्चों को बिल्कुल भी हवा में नहीं निकालना, ना ही पंखे की हवा और ना ही कोई बाहर की ठंडी हवा। और साथ में आपको इसको लगाने के बाद आपको बच्चों को नहलाना भी नहीं है, बाथ भी नहीं देना है। तो बेटर है जब बच्चे सोने जा रहे हों आप तभी ये तेल अप्लाई करें, ताकि बच्चे रेस्ट भी ले लें और इसकी गर्माहट का असर भी बच्चों को मिले और बच्चे जल्दी ठीक हों। बच्चों के साथ साथ इस ऑयल को बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ों को भी सर्दी बैठ गई है तो आप उनको भी ये ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, हल्का सा गर्म करके चेस्ट पे, बैक पे, पैरों के तलवे पे लगा के उनको ढक के आप छोड़ सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। तो यूज़ करिए ये होम रेमेडी कोल्ड एंड कफ़ के लिए। तो कोल्ड होने पे दिन में 1 से 2 बार ये आप ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वो एरिया अच्छे से कवर करके ही रखना है। एयर का या पानी का एक्सपोज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।